हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपने समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो सेल्फ डेवलपमेंट पे है। हाउ टू डेवलप योर सेल्फ, हाउ टू डू द सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी भी आप एरिया से हो, किसी भी लाइन में हो, या आप स्टूडेंट हो, या आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी जॉब का, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या एनी प्रोफेशनल इन योर एनी वर्किंग, और इवन यू आर गृहस्थ जिंदगी भी जी रहे हो, नॉर्मल पर्सन भी हो, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लिव विद द कॉन्फिडेंस। सेल्फ डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कंसर्न विद द कॉन्फिडेंस, लिव विद द कॉन्फिडेंस, विद द हाई कॉन्फिडेंस, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के आप किसी भी एरिया में रहो यार, लल्लू टाइप का दिखोगे, लूजनेस, डलनेस आप में सो होगा, योर बोलने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, चलने का ढंग, बिहेवियर, एटीट्यूड सारा डल रहेगा, तो उससे कोई चीज अनप्रोडक्टिव लाइफ रहती है। तो कॉन्फिडेंस रहना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ। तो हाउ टू बी सेल्फ डेवलप, आज उस पर ही ये वीडियो है। तो लेट स्टार्ट, कैसे रहें सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप को डेवलप कैसे करें। तो मैं आपको 4 स्टेप्स यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप फॉलो करके अपने आप को पहले से मच बेटर, मच डेवलप्ड, मच इम्प्रूव कर सकते हैं। आप में अपने आप बेस्ट वर्जन को आप देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप है मेज़र योर सेल्फ ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। अपने आप को पहले आप अपनी प्रेजेंट को आप पहले एक स्टैंडर्ड स्केल पे नापें, जो आप अभी हैं, ओके? उस स्केल पे आप अपने आप को रखें, अपनी क्वालिटीज़, स्किल्स, नॉलेज, एवरीथिंग आप एक कॉपी पे या एक पेज पे आप लिस्ट बना लें, एंड उसे आप लिख लें कि आई हैव दिस क्वालिटीज, दिस क्वालिटीज, दिस क्वालिटीज एंड दिस क्वालिटीज, दिस स्किल, क्वालिटी, स्किल एंड नॉलेज। 3 रो बना के कर ले, क्वालिटी, स्किल एंड नॉलेज। देन फिर आप अपने मन में सोचो कि मुझे लाइफ में क्या करना है। अपना एक टारगेट तो हर कोई सोचता है, हर किसी के लाइफ में एक टारगेट रहता है कि भाई मुझे ये करना है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू इन दिस एरिया। और तो उस बेस पे आप अपने जो आपने फर्स्ट स्टेप में स्किल बनाया है, उस स्किल्स और नॉलेज, उस लिस्ट को आप कंपेयर करो कि आप अपने आप को कहाँ पाते हो, उस गोल, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने आप को कहाँ पाते हो, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं क्या आपको, क्या आप उन क्वालिटीज़, उन नॉलेज और उस स्किल के बदौलत आप वहाँ आप जा सकते हैं। आर दोज क्वालिटीज़ एंड नॉलेज एंड स्किल्स व्हाट यू हैव इन टुडेज टाइम, इज इट सफिशिएंट टू गो देयर, यू हैव टू एनालाइज देम, ओके? तो अपने आप पे वहाँ आप अपने गुड्स और अपने बैड्स दोनों आप वहाँ निकालो उस लिस्ट में। तो जो बैड्स हैं, जो बैड्स मिलेंगे, मतलब कि जो खराबी है आप में, उन्हें आप, थर्ड स्टेप ये है कि उन्हें आप रिप्लेस करो। रिप्लेस योर बैड्स, जो आप में, जो आपके स्किल्स में
जो आपके दिमाग में जो कीड़ा लगा हुआ है, जो निगेटिविटी घुसी हुई है, जो कमी है, जो कि आपके ग्रोथ को रोक रहा है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करता है, जो कि आपकी क्वालिटी को डाउन करता है, उन बैड्स को हटा दो, रिमूव देम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ योर नॉलेज स्किल एंड बिहेवियर ऑल। ओके, और उसके साथ जो आपके गुड्स हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, नॉलेज क्वालिटीज़ और स्किल्स जो ऑलरेडी आपके पास हैं उस लिस्ट में, फर्स्ट वाले लिस्ट में, उस पे आप वर्क करो, इम्प्रूव देम और उसे बूस्ट करो वन डे बाय डे। बूस्ट योर ऑल द क्वालिटीज नेच इस नॉलेज एंड स्किल्स व्हाट यू हैव ऑलरेडी, दैट इज़ द थर्ड स्टेप। उसे आप बूस्ट करो, उस पे और काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने नॉलेज को बूस्ट करो, अपने एक्स्ट्रा स्किल्स को बूस्ट करो। अगर स्किल नहीं है तो आप सीखो, स्किल्स नहीं है तो आप सीखो। एलन मस्क का कहना है, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क जितने बड़े लोग हैं वर्ल्ड में, फेमस हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, उन लोग का कहना, आप कोई भी स्किल्स सीख सकते हैं, वो लोग स्किल्स सीख के ही वहाँ तक पहुँचे हैं। कोई यहाँ स्किल सीख के एक्सपर्ट पैदा नहीं होता, हर कोई यहीं बनता है, सीख के ही बनता है। सचिन पैदा नहीं हुआ था, एलन मस्क पैदा नहीं हुआ था, एलन मस्क वो बच्चा हमारे ही जैसा एक खाली स्किल नॉलेज का खाली डब्बा था उसके शेयर में, बस सोचने और समझने की शक्ति थी जो सबके पास होता है, आपके पास भी, मेरे पास भी, हर कोई, ऑल ह्यूमंस पास है। तो स्किल और नॉलेज हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। एक महीने में हम अगर 2 घंटे भी दें डेली तो हम कोई एक नया स्किल सीख सकते हैं। तो आप स्किल सीखो, न्यू स्किल सीखो, न्यू नॉलेज सीखो, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाओ। ये तो करना पड़ेगा, बढ़ना है तो करना है। तो अपने स्किल्स क्वालिटीज़ को बढ़ाओ, इसमें आपको वो खुद व खुद जब आपके पास नॉलेज रहेगा जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं उस एरिया का आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी, वैसे आपका खुद खुद व खुद इंटरनली कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, है ना। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, जिस भी एरिया में हो आप उससे रिलेटेड स्किल्स जब आप बढ़ाओगे, एज द इंक्रीजिंग ऑफ योर स्किल्स योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी ऑटोमेटिकली बूस्ट। कहने की बात नहीं है, वो आपको खुद फील होगा। एक सप्ताह काम करके देखो, रेगुलर रहना, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि काम करके और एक सप्ताह बाद लूज़ हो जाता है, तो लूज़ नहीं होने का भाई, एकदम बोले तो एकदम रेगुलर रहने का, एकदम बढ़ते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो, इम्प्रूव योर स्किल्स, डैट विल इम्प्रूव योर क्वालिटी, स्किल नॉलेज को इम्प्रूव करो, आपकी क्वालिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी।